हेलो दोस्तों, तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक पैटर्न प्रिंट करना है, जो कि पैटर्न कुछ इस तरह का है कि हमने वन का ट्रायंगल प्रिंट करना है। वन का ट्रायंगल इस तरह प्रिंट होगा। ये हमारे पास एक पैटर्न दिया गया है, हमें इसको प्रिंट करना है तो अपने सी प्लस प्लस में। तो ठीक है, तो अब मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में कहा, जब भी हम किसी पैटर्न को प्रिंट करने लगते हैं तो हमें उसको सेक्शन में डिवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसको सेक्शंस में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ तक चाहता है यूज़र अपना ट्रायंगल प्रिंट करना। ठीक है, एक लूप मुझे लगानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र कहता है फाइव टाइम्स मुझे फाइव नंबर ऑफ़ रोज़ तक ये अपना ये लूप चलाना है, या फाइव नंबर ऑफ़ मुझे ट्राइंगल प्रिंट करना है, ठीक है, तो मुझे एक उसके लिए लूप चाहिए होगी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल प्रिंट करना है रिवर्स में। ये ट्रायंगल तो एम्प्टी है, ये स्पेसिस का ट्रायंगल होगा। ठीक है, एक मुझे इसके लिए भी लूप चाहिए होगी, और एक थर्ड मुझे लूप चाहिए होगी यहाँ पर ट्रायंगल अपना प्रिंट करने की। ठीक है, एक ट्रायंगल के लिए हो गई, एक यहाँ पर स्पेस नंबर ऑफ स्पेसिस के लिए हो गई, और यहाँ पर मुझे जो चीज़ तीसरी लूप चाहिए वो मुझे वन का अपना ट्रायंगल प्रिंट करना है। ठीक है, और मुझे इन तीन लूप्स के अलावा एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, जो कि क्या होगा वो यहाँ पर देखें। सबसे पहले वन है, उसके बाद फिर अगली रो में गए हैं तो थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर नाइन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हर रो में आप ऑब्जर्व कीजिए, पहले एक वैल्यू है तो फिर तीन वैल्यू है, फिर फाइव, यानी दो दो का इंक्रीमेंट होता जा रहा है एक नंबर में। तो मुझे इसका मतलब है तीन तीन जी दो 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 का इंक्रीमेंट भी करना होगा। ठीक है, तो मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसको मैं सपोज कर लूँगा एन ओ। ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ भी सबसे पहले स्टार्टिंग में वन रखवा के उसमें टू टू का इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, क्योंकि आप देखें हर रो के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो रही हैं, टू डिजिट्स का इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, तो आपने ये भी बात याद रखनी है, एक मुझे तीन लूप्स चाहिए और मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं अपने डेव सी प्लस प्लस भी आता हूँ, मुझे ये वाला जो पैटर्न है ये प्रिंट करना है। तो आप नंबर ऑफ रोज कितनी भी रख सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं अपना क्विकली अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे नंबर ऑफ रोज़, उसका मैं वेरिएबल एन रख लेता हूँ, और सी आउट और एंटर नंबर ऑफ रोज़ रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद करते हैं सी इन एन, और उसके बाद सी आउट एंड एल कर देते हैं। ठीक है, और मुझे एक आउटर लूप चाहिए जिसके लिए मैं वेरिएबल ले लूँगा इंट आई इज़ इक्वल टू एन ओ, एन कर एन है सच, उसके बाद आई में इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोई आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। ठीक है, आई में आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, आई में एक इंक्रीमेंट करते डिक्रीमेंट करते जाए। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र कहता है मैंने 10 का अपना ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आई में 10 इनिशियलाइज होगा और 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, जब तक 1 नहीं आ जाता ये लूप एग्जीक्यूट होती जाएगी। इसका मतलब है ये 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगी इसकी बॉडी। तो ठीक है, तो मैं 10 का ट्रायंगल इसमें प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है, एक लूप तो हो गई, अब हमें एक और लूप चाहिए जो स्पेसिस को प्रिंट करेगी। तो उसके लिए मैं एक और लूप लूँगा इंट जे इज इक्वल टू, हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1, और j इज़ लेस देन इक्वल टू हम कर लेते हैं i तो, और j में एक इंक्रीमेंट कर दे जाएंगे और एक हम स्पेस प्रिंट कर देंगे ताकि हमारा ये स्पेस का लूप भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लूप स्पेसिस प्रिंट करेगा, स्पेसिस का ट्रायंगल प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हमारा ये भी काम हो गया। अब मुझे तीसरी लूप जो चाहिए जो मेरा प्रिंट करेगी वन का ट्रायंगल। अब देखिए, इसके वन का ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए मुझे एक नंबर का वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो मैं वो नंबर का वेरिएबल बाहर ले लेता हूँ, इंट एन ओ इज़ इक्वल टू वन कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ 4 इंट आई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेना होगा वरना एरर आ जाएगा, तो हम एल ले लेते हैं, एल इज़ इक्वल टू 1। ओके, एल इज़ लेस देन इक्वल टू हम कर लेते हैं नम, क्योंकि एन ओ तक करना है। ठीक है, एन ओ तक हमने कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एन ओ एल में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, अब ये मैं नीचे आ जाता हूँ एक मिनट यहाँ पर। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम पर आता हूँ, सॉरी। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, वन का ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 और यहाँ पर एंड, और उसके बाद मैं बाहर आऊँगा लूप से, और उसके बाद एंड लाइन करते हैं ताकि हमारा न्यू लाइन भी आ जाए, और उसके बाद एन ओ इज़ इक्वल टू एन ओ प्लस 2। ठीक है, हमारा प्रोग्राम बन चुका है, मैं इसको जल्दी से रन करके आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। ठीक है, अब वो मुझसे पूछेगा एंटर नंबर ऑफ रोज़, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 5। अभी देखिए, इसने मुझे 1 का ट्रायंगल प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आपने देखिए प्रॉपर सीक्वेंस के साथ प्रिंट हुआ, स्पेसेस भी ठीक है, और हमारा 1 का ट्रायंगल भी प्रिंट हो गया। ये कैसे प्रिंट हुआ दोबारा से हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए थी नंबर ऑफ रोज़, जितनी नंबर ऑफ रोज़ तक यूज़र अपन चाहता है ट्रायंगल प्रिंट करवाना, तो मैंने उसके लिए वेरिएबल ले लिया एन का, एंड लाइन किया। उसके बाद एक और मैंने वेरिएबल ले लिया
एन ओ का, जिसमें मैंने वन स्टार्ट में रखवाया है और उसमें मैं टू का इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे देखें हर रो के अंदर दो वैल्यू दो डिजिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, पहले वन था फिर थ्री फिर फाइव फिर सेवन फिर नाइन, इस तरह आगे इंक्रीमेंट होता जा रहा है टू का, तो मैं इसमें टू का इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे एक आउटर लूप चाहिए जो नंबर ऑफ रोज तक चले, उसके लिए मैंने एक लूप ले लिया। उसके बाद मुझे स्पेसिस के लिए भी एक लूप चाहिए, मैंने वो ले ली। और उसके बाद मुझे वन का ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए एक लूप चाहिए, मैंने वो भी ले ली। एंड लाइन किया और उसके बाद ये एन ओ में टू का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। एक और दफ़ा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आई को वन एन इनिशियलाइज होगा। एन में क्या है, एन इज इक्वल टू फाइव था, ठीक है। तो फाइव इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये फाइव टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब इनर लूप में आएगा, ये देखेगा जे इज इक्वल टू वन है और जे वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव आई, आई में क्या है फाइव, ठीक है। तो फाइव टाइम्स ये स्पेसिस प्रिंट करेगा, फिर ये यहाँ पर आएगा और ये देखेगा एल इज इक्वल टू वन है, ठीक है। एल इज इक्वल टू वन का मतलब है वन इज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। एन ओ में क्या है वन, ठीक है, स्टार्ट में मैंने वन रखा है। उसके बाद ये एल ओ वन इज लेस देन इक्वल टू वन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वन प्रिंट करेगा। फिर ये देखेगा टू इंक्रीमेंट करेगा, टू में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेगा टू इज नॉट लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई और ये आउट ऑफ द लूप आएगा और एंड लाइन करेगा और एन ओ में टू आ जाएगा, ठीक है। अब एन ओ में क्या है टू, फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगी। अब एन आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, एक डिक्रीमेंट हो चुका है, ये आई माइनस माइनस मैंने लिखा है ना, तो एक डिक्रीमेंट हो चुका है। अब आई की वैल्यू हो चुकी है फोर, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई फोर, यहाँ पर भी फोर यहाँ पर भी फोर, ठीक है। आई की वैल्यू है फोर, फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पर एक दफ़ा तो हो गई, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, ये इनर लूप में आएगा और ये देखेगा जे की वैल्यू है वन, वन इज लेस देन इक्वल टू फोर, ठीक है, ये ट्रू है। तो ये फोर टाइम्स ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी फोर लूप की और ये फोर स्पेसिस को प्रिंट करेगा। फिर ये नेक्स्ट लूप में आएगा और ये देखेगा एल इज इक्वल टू वन और एल इज इक्वल टू नम। एन ओ में क्या था, पहले वन था, अब टू का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वन में इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा, सॉरी थ्री, ठीक है, वन इज लेस देन इक्वल टू थ्री, तो ये थ्री टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर वन प्रिंट करेगा। मैंने थ्री क्यों किया, क्योंकि ये देखे वन और फिर उसके बाद थ्री दफ़ा मुझे वन चाहिए, फिर मुझे फाइव दफ़ा, फिर सेवन दफ़ा, तो मुझे टू का इंक्रीमेंट करना है। तो इस तरह ये बॉडी एग्जीक्यूट होती जाएगी अनटिल आपका जो कंप्लीट ट्राइंगल प्रॉपर सीक्वेंस में प्रिंट ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको इस प्रोग्राम में किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।